दोस्तों, अगर हम एकता के साथ काम करें तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी बहुत ही आसानी से हल हो जाती है। आज की कहानी एकता का बल। एक जंगल में एक चूहा और एक कबूतर रहता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कबूतर और चूहे की दोस्ती को देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता था कि एक जमीन के अंदर रहता है और दूसरा पेड़ के ऊपर। फिर भी इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई है? यह देखकर एक दिन एक कौवा उन दोनों के पास जाता है और कहता है, आप लोग मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं आप लोगों को बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। यह बात सुनकर चूहे ने कहा कि कौवा और चूहे की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, भला चूहे की दोस्ती कौवे से कैसे हो सकती है? कौवा चूहे का जानी दुश्मन होता है, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ? यह बात सुनकर कौवा बहुत दुखी हुआ और गिड़गिड़ाने लगा कि अगर तुम लोगों ने मुझे अपना दोस्त नहीं बनाया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। कौवे के बार बार मनाने पर कबूतर ने कहा कि चलो एक बार हम इसका विश्वास कर लेते हैं और इसे अपना दोस्त बना लेते हैं। इस तरह कौवा, कबूतर और चूहा तीनों दोस्त बन गए। दिन यूं ही बीतते गए और उन्होंने देखा कि कौवा एक बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। कौवा सच्चा था, वह अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता था। तीनों दोस्त एक साथ मजे से रहते थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। कुछ दिनों बाद उस जगह पर भयानक अकाल पड़ गया। नदी नाले सूखने लगे, पेड़ पौधे घास सभी सूखने लगे और जंगल में खाने की बहुत कमी हो गई थी। कौवे ने कहा कि दोस्तों, अब यहाँ पर रहना उचित नहीं है। यहाँ पर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। यहाँ से बहुत दूर दूसरा जंगल है जहाँ पर मेरा एक दोस्त है और वहाँ का जंगल हरा भरा है। वहाँ पर खाने की खूब सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारी मदद के लिए मेरा दोस्त हमेशा तैयार रहता है। पहले तो कबूतर और चूहे को यह उपाय अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में कुछ सोचने पर उन्होंने कौवे की बात मान ली और तीनों जंगल की ओर चल पड़े। कौवा चूहे को अपने चोंच में दबाकर उड़ने लगा और साथ में कबूतर भी उड़ने लगा। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। दूसरे जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यह जंगल तो वाकई बहुत हरा भरा है और यहाँ खाने का बहुत सारा सामान है। कौवा एक तालाब के किनारे उतर गया और चूहे को भी नीचे उतार दिया। कबूतर भी कौवे के पास आकर उतर गया। फिर कौवे ने अपने दोस्त को जोर जोर से आवाज लगाई। तालाब से निकलकर उनके पास एक बड़ा सा कछुआ आया और उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, तुम कितने दिनों बाद आए हो, कहो तुम कैसे हो, सब कुशल मंगल तो है ना? तो कौवे ने सारी बात अपने दोस्त को बता दी। चारों दोस्त उस नदी के किनारे हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब यह चारों तालाब के किनारे बैठकर बात कर रहे थे, तभी एक हिरन भागते भागते उनके पास आया। हिरन हाँफ रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। कौवे ने कहा, ओ भाई हिरन, कहाँ चले जा रहे हो, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तब हिरन ने कहा, तुम कुछ जानते हो, बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। यहाँ से कुछ दूरी पर राजा ने अपना डेरा लगाया है। इस राजा के सैनिक बहुत ही क्रूर हैं और अत्याचारी हैं। कल वे इधर ही शिकार के लिए आएंगे। उनके सामने जो भी आता है वह उसे मार देते हैं। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वे लोग कल सुबह ही शिकार के लिए निकल जाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। यह बात सुनकर सभी परेशान हो गए और चारों दोस्तों ने
हिरन के साथ कहीं दूर चले जाने का निश्चय किया। अब पांचों जानवर दौड़ते दौड़ते दूसरी जगह पर जाने लगे, क्योंकि कछुआ बहुत बड़ा था और वह जमीन पर रेंगता है, इसलिए सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक शिकारी की नजर उस कछुए पर पड़ गई। शिकारी दौड़ते हुए उसके पास आया। हिरन भाग गया, कौवे और कबूतर पेड़ पर चढ़ गए, चूहा बिल में घुस गया, लेकिन कछुआ कुछ न कर पाया और उसे शिकारी ने पकड़ लिया और अपनी जाल में भर कर चलने लगा। यह देखकर सभी दोस्त बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कैसे अपने दोस्त की जान बचाई जाए। उन्होंने एक तरकीब निकाली। नदी के किनारे शिकारी ने जाल को नीचे रखा और हाथ मुंह धोने के लिए नदी से नीचे उतरा। वहीं से कुछ दूरी पर हिरन जमीन पर लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। इतने में कौवा आया और हिरन पर चोंच मारने लगा। यह देखकर शिकारी ने सोचा कि यह हिरन अभी अभी मरा होगा, उसका मांस अभी ताजा होगा। उसने उसे उठाने के नियत से उसके पास गया और तभी बिल से चूहा बाहर आया और उसने कछुए के जाल को काट दिया। कछुआ जल्दी से निकलकर तुरंत ही नदी में कूद गया और उसकी गहराइयों में गायब हो गया। चूहा बिल में घुस गया। शिकारी के नजदीक आते ही कौवा उड़ गया और हिरन भी तेज दौड़ लगाते हुए जंगलों में छिप गया। इस तरह सभी साथियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ काम करके एकता से रहकर उन्होंने सबकी जान बचा ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो करिए। हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई कहानी या किस्सों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।